वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट बुक। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर, द ओल्ड द कोल्ड वॉर एरा। इस चैप्टर को मैं आपको दोनों ही मीडियम में समझाऊंगा, बट मैंने सारे जो पॉइंट्स है वो हिंदी में लिखे हुए हैं। चैप्टर को समझने से पहले आपको इस चैप्टर का एक बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए कि चैप्टर किन फैक्ट्स पर आधारित है, किन बातों पर ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है वो डिपेंड करता है। उस सभी पॉइंट्स को कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, इसका इंट्रोडक्शन हम समझना शुरू करते हैं। जैसे ही आपको इंट्रोडक्शन समझ में आता है, चैप्टर के बारे में बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका को। तो शीत युद्ध की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड ऑफ कोल्ड वॉर, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध था, उसका जो टाइम था वो था 1939 से 1945। इस दौरान ये युद्ध लड़ा गया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, सोवियत संघ, ये सभी देश एक तरफ थे, जबकि जर्मनी, इटली और जापान ये दूसरी साइड थे। दोनों ही पार्टियों में लड़ाई हुई, दोनों ही ग्रुप के अंदर लड़ाई हुई, जिसके अंदर अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन और फ्रांस ये जो देश थे और इनके सहयोगी देश, ये इस दूसरे विश्व युद्ध में जीते, जबकि जर्मनी, इटली और जापान ये हारने वाले देश थे। तो पहला जो पॉइंट मैंने बताया वो क्या बताया आपको कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे, यानी कि सुपर पावर के रूप में ये उभरे। क्यों? क्योंकि दोनों ही देश उस साइड से लड़ रहे थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जीती। सेकेंड पॉइंट, अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था तथा सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक था। अमेरिका के अंदर जो सिद्धांत था, जो पद्धति चल रही थी, जो शासन व्यवस्था थी वो पूंजीवादी थी, जबकि सोवियत संघ के अंदर शासन की साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया। ये व्यवस्थाएं हैं क्या, इनके बारे में नीचे दो पॉइंट लिख रखे हैं। पूंजीवाद उत्पादन के साधनों यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी पर निजी स्वामित्व होता है, यानी कि सभी प्रकार की जो जमीन है, उद्योग है, जो श्रमिक है, जो देश की पूंजी है, जिसमें कि पूंजी के अंदर आपको कह सकते हो मशीनें हैं, जिसके अंदर कैश है, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सारी पूंजी कहलाती है। इन सभी चीजों पर निजी स्वामित्व यानी कि प्राइवेट पर्सन का कंट्रोल था। तो ऐसी व्यवस्था थी अमेरिका के अंदर, जहां पर ज्यादातर चीजें प्राइवेट थी, यानी कि व्यक्तियों को खुद का नियंत्रण करने का अधिकार था अपने उद्योगों पर। जबकि साम्यवादी व्यवस्था क्या थी, उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण, चाहे वो देश की भूमि हो, चाहे देश के श्रमिक हो या देश की पूंजी हो, इन सभी चीजों पर सरकार नियंत्रण करती थी और अपने हिसाब से उसको लोगों में वितरित करती थी। ये दो अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक जो कि प्राइवेटाइजेशन, दूसरी जो कि सरकार के नियंत्रण को बढ़ाती है। दोनों ही अलग अलग पद्धति को अपना रहे थे। तो यहाँ पर अमेरिका जो कि पूंजीवादी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर सभी चीजें इंडिविजुअल के कंट्रोल में थी, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था जिसमें कि ज्यादातर चीजें जो थी, देश की भूमि, श्रम, पूंजी, सभी के सभी सरकार के कंट्रोल में थी। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग व्यवस्थाओं को अपना रहे थे। इससे ये बात समझ में आती है कि एक प्राइवेटाइजेशन को और एक गवर्नमेंटाइजेशन को यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को बढ़ाता है। ऐसे में दोनों व्यवस्थाओं के बीच में विचारधाराओं का जो टकराव था वो बिल्कुल होना लाजिम था। अगला पॉइंट, दोनों ही देश शेष विश्व पर अपनी विचारधारा को थोपना और संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण करना चाहते थे। बोथ अमेरिका एंड सोवियत संघ वॉन्टेड टू
टेक कंट्रोल ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हर देश में अमेरिका क्या चाहता था कि विश्व के जितने भी देश है, चाहे उसके पड़ोसी हो, यूरोप के हो, एशिया के हो, अफ्रीका के हो, वो देश इस पूंजीवादी व्यवस्था को, जिसका सबसे बड़ा लीडर अमेरिका था, इस व्यवस्था को वो अपनाए। जबकि सोवियत संघ क्या चाहता था, चाहे वो यूरोप का पूर्वी भाग हो, चाहे वो अमेरिका के पड़ोसी देश हो, या अफ्रीका के देश हो, या नए नए आजाद होने वाले एशिया के देश, जैसे कि चीन, भारत जो देश आजाद हुआ था, इन देशों के अंदर कैसे व्यवस्था अपनाई जाए, साम्यवादी, यानी कि सभी चीजें सरकार के कंट्रोल में हो। दोनों ही देश ये चाह रहे थे कि जितने भी विश्व के जो देश है उन पर अपनी विचारधारा को हम थोपे, यानी कि सीधी सीधी बात, अपनी विचारधारा सभी देशों के द्वारा मनवाई जाए। दोनों ही देश ये मानकर चल रहे थे कि मेरी विचारधारा, यानी कि अमेरिका चाहता था या मानता था कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो विश्व में सबसे बेहतर व्यवस्था है, जो कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है। जबकि सोवियत संघ, यानी कि सोवियत रूस, ये मानता था कि साम्यवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर जन कल्याण होता है, क्योंकि सरकार सभी चीजों को अपने कंट्रोल में कर लेती है और अपने अकॉर्डिंग सोशल वेलफेयर को देखते हुए, यानी कि समाज के कल्याण को देखते हुए, लैंड, लेबर, कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन करती है और लोगों की अधिक से अधिक भलाई करती है। तो ये पॉइंट क्या बना कि दोनों ही वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स पर, अलग अलग कंट्री पर कंट्रोल करने की इच्छा रखते थे। ऐसे में दोनों के बीच में टकराव होना बहुत लाजमी था। अगला पॉइंट, दोनों देशों का विश्व के अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। बोथ दी नेशन, अमेरिका एज वेल एज सोवियत रशिया, ट्राई टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ अदर नेशन, जैसे कि वियतनाम और जर्मनी, ये दो देश ऐसे एग्जाम्पल में है जहां पर अमेरिका भी और जहां पर सोवियत संघ, दोनों ही इन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। जबकि होता क्या था, वियतनाम जिसपे अमेरिका एक तरह से कब्जा करना चाहता था, लेकिन वियतनाम जो कि पड़ोसी देश माना जाता है सोवियत संघ का, सोवियत संघ से ज्यादा नजदीकी में है जबकि अमेरिका से काफी दूर है, तो सोवियत संघ भी ये चाहता था कि वियतनाम मेरे दबदबे में रहे, न कि दूर बैठे एक पूंजीवादी अमेरिकी देश के कंट्रोल में रहे। ऐसे में जर्मनी में भी यही हुआ, जो यूरोप का एक देश था, इसके पूर्वी भाग पर, यानी कि पूर्वी जर्मनी पर, ईस्टर्न जर्मनी पर रूस का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, जबकि जर्मनी के वेस्टर्न पार्ट पर ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, इन देशों का बहुत ज्यादा कंट्रोल था। तो ऐसे में जब दोनों ही किसी अन्य देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते थे तो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते थे। विश्व को ऐसा लगता था कि ये दोनों सुपर पावर जो है वो अब लगता है इनके बीच में युद्ध होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी कारण अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव का दौर, जो कि 1945 से 1990, यानी कि 1945 से 1990 तक चला। ये जो दौर था, ये जो एरा था, ये आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर के बाद 1990 यानी कि 1990 तक चला। दोनों ही देश के बीच टेंशन, चाहे वो आइडियोलॉजी की टेंशन हो, विचारधाराओं के टकराव हो, चाहे वो दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की बात हो, या विश्व के किसी भी छोटे या कमजोर देश को अपने सपोर्ट में करने की बात हो, इन सभी बातों के कारण दोनों ही देशों के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ये तनाव 1945 से 1919 तक रहा, क्योंकि 1990 तक रहा, क्योंकि 1990 में सोवियत संघ बिखर गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लगभग 15 देश सोवियत संघ से बटकर बने थे। इसके बाद ये शीत युद्ध खत्म हुआ। इसी तनावपूर्ण दौर को शीत युद्ध का नाम दिया जाता है, यानी कि जो टेंशन क्रिएटेड जो एरा था, जो ये टेंशन का जो दौर रहा, जो कि 1945 से 1990 तक रहा, ये जो था दोनों देशों के बीच में कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको खाली इसका इंट्रोडक्शन ये बता रहा था कि वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो बहुत बड़े सुपर पावर उभरे। पहला अमेरिका, जो कि सपोर्ट करता था पूंजीवाद को, कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को, जबकि दूसरा देश सोवियत संघ, जो कि सोशलिस्ट यानी कि साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था। दोनों ही बिल्कुल अलग अलग
थ्योरी आइडियोलॉजी है, एक प्राइवेटाइजेशन जबकि दूसरा सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा देने वाला देश। इसलिए ये कह सकते हो कि जो शीत युद्ध है, कोल्ड वॉर है, वो ऑल इन ऑल एक आइडियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूट था, इनके बीच में विचारधाराओं का टकराव था जिसमें एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ दोनों ही देशों में लगी हुई थी। अमेरिका हमेशा ये कोशिश करता था कि सोवियत संघ और उसके आसपास के जो देश थे, चाहे वो एशिया या यूरोप के देश थे, उनमें अपना अधिक से अधिक मैं कंट्रोल या नियंत्रण कर सकूं और सोवियत संघ पर अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट दबाव प्रेशर क्रिएट कर सकूं, ताकि वहां पर भी जो ये सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये चेंज होके कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई जा सके। तो ये इंट्रोडक्शन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।